नमस्कार, जी न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिकोल। तो अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बात करते हैं बच्चों के भविष्य से। जहां एडमिशन की बात करते हैं यानी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो पहले ही कोरोना के चलते हुए 2 महीने लेट हो चुका था बच्चों को एडमिशन के लिए। तो अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 24 सितंबर तक कर सकते हैं और आवेदन 5 साल के LLB कोर्सेज की बात करें, BBA होटल मैनेजमेंट की बात करें या BBA कोर्स की बात करें, BCom ऑनर्स की बात करें, तो दाखिले के लिए 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें लेट फीस के 24 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है और जम्मू यूनिवर्सिटी इस बार एंट्रेंस टेस्ट आयोजित नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, इस साल जो है जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित नहीं करेगी और जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में विभिन्न अंडर ग्रेजुएट व ऑनर्स कोर्सेज के लिए दाखिले की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना के कारण पहले से ही दाखिले में 2 महीने ऑलरेडी जो है वो बच्चों को लेट हो गया था और विद्यार्थियों से 24 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है। पूरी जानकारी आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या कुछ इसमें निकल कर आ रहा है। 5 साल के ऑनलाइन, जैसे LLB कोर्स की हम बात करते हैं या BBA होटल मैनेजमेंट की बात कर लें, BCom ऑनर्स की बात करें, तो इसमें दाखिले के लिए 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है और इसमें यह बताया गया है कि जो लेट फीस है यानी 24 सितंबर तक आवेदन करना बहुत जरूरी है, वरना लेट फीस भी लग सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इस बार कंडक्ट नहीं किया गया है। तो जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं जम्मू के, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी जल्द से जल्द जो है आप एडमिशन के लिए जाइए और एडमिशन जो है वहां पे जिस सब्जेक्ट में आपको लेनी है वो आप साफ तौर पर ले सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना से उपजे हालातों को देखते हुए ये फैसला किया गया है और जम्मू यूनिवर्सिटी इसी महीने अंडर ग्रेजुएट के 6ठे सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने जा रही है और साथ ही साथ उसके बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला शुरू करेगी। इस बार PG कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो है उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। और वहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अधीन आने वाले 4 डिग्री कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए फाइनल रैंक सुचारू जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत जरूरी है और जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जम्मू यूनिवर्सिटी कब एडमिशन के लिए बोलेगी और कब जो है बच्चे वहां पे दाखिला करा सकते हैं, तो अब ये आपको बता दूं कि विदाउट एंट्रेंस अब आप अपना दाखिला ले सकते हैं, चाहे आप BBA ऑनर्स की बात करते हैं, BCom की बात करते हैं, LLB की बात करते हैं। तो जल्द से जल्द जाइए और एडमिशन जो है वो स्पष्ट रूप में करवाइए, क्योंकि 22 सितंबर की जहां बात की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 24 सितंबर तक आप भर सकते हैं और लेट फीस भी बच्चों से जा सकती है। अब इसमें भी बता दूं कि कॉलेज के ऑफलाइन तरीके से जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी, यानी ऑफलाइन प्रक्रिया में शुरू होगी और इसके लिए विद्यार्थियों को रैंक के आधार पर मोबाइल या ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा और उन्हें संबंधित कॉलेज में काउंसलिंग के जरिए पहुंचना है और काउंसलिंग के समय ही असल दस्तावेज की जांच होगी। और ये भी बता दूं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 21,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और सीटें 6,000 के करीब है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को कड़ी जहां पे हम कहेंगे कि सुविधाएं भी दी जा रही है और पूर्ण रूप से बता दिया गया है कि बच्चों कैसे यहां पे पूर्ण रूप से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि जल्द से जल्द आप भी जाइए और एडमिशन जो है आप कराइए, क्योंकि कोरोना के चलते हुए पहले ही 2 महीने इसे लेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सब तक पहुंचना बहुत जरूरी था और ज्यादा से ज्यादा जो इस समय विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि कब हम एडमिशन ले पाएंगे, तो आपसे अब यही कहना चाहूंगी कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जल्द से जल्द जाइए और एडमिशन जो है वो शुरू कराइए। इसी बीच अब्दुल लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून प्रिंसी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून जी। और अब्दुल ये भी लिख रहे हैं कि मैम कश्मीरी में भी बोलिए, कोशर लैंग्वेजेस मत मुझे से तो ये अपडेट दीवान, मगर फिलहाल अगर वो बनो तो ये कि जो यूनिवर्सिटी हूँ छी अपडेट आमुद की एडमिशन बाबत, तो ये है को एडमिशन है। तो पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है, तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।